नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। टीके के बारे में किसी भी अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को कहा। देश के 430 जिलों में पिछले 4 सप्ताह से कोविड के एक भी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना क्वाड के अन्य सदस्य देशों के साथ बंगाल की खाड़ी में हो रहे फ्रेंच नौसेना अभ्यास में भाग लेगी। अमरीकी नौसेना के द्वारा गाए गए लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये जो देश है तेरा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम। और मराठी लेखक डॉ शरण कुमार लिंबाले को 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। इन दोनों राज्यों के तीसरे चरण और केरल तमिलनाडु के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। दूसरे चरण में असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्तमान में 3 प्रमुख गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने सहयोगी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत या महागठबंधन है जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल हैं। वामपंथी पार्टियों के गठबंधन में असम जातीय और पार्टी और राजौर दल शामिल हैं। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 34, कांग्रेस ने 28, असम जातीय परिषद ने 19, एआईयूडीएफ ने 7, असम गण परिषद ने 6 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 4 तथा 176 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भाजपा सभी 30 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआईएम 15, कांग्रेस 9, बहुजन समाज पार्टी 7, सीपीआई 2 और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा आरएसपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 32 निर्दलीय सहित 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण में इन दोनों राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम में 40 सीटों के लिए 338 उम्मीदवार हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 21 सीटों के लिए 205 उम्मीदवार चुनाव में हैं। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 957 उम्मीदवार हैं, जबकि तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए कुल 4125 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 324 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। श्री मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के दारापुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के बड़े नेता इस अवसर पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।
बीजेपी के गठबंधन दल में AIADMK, पट्टाली मक्कल कच्ची TMK, तमिल मनीला कांग्रेस TMC और तमिलगा मक्कल मुनित्रा कड़गम शामिल हैं। इन सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। धारापुरम एक बहुत ही दूरस्थ और अविकसित जगह है, बल्कि पड़ोसी कोयम्बटूर काफी ज्यादा विकसित है। यह पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री धारापुरम आए हैं। इससे पहले एक राष्ट्रपति भी धारापुरम आए थे। 6 अप्रैल के मतदान के पहले सारे राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। धारापुरम से आर मूर्ति के साथ मैं दीक्षा सक्सेना चेन्नई से आकाशवाणी समाचार के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के पलक्कड में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी पहली रैली पलक्कड में करते हुए उन्हें खुशी हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि पलक्कड में के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ गहरा संबंध है। पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केरल की राजनीति में युवा मतदाताओं के कारण भारी बदलाव आया है। द बीजेपीज विजन फॉर केरला इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड एस्पिरेशनल। दैट इज व्हाई द यूथ ऑफ द स्टेट, द प्रोफेशनल कम्युनिटीज अक्रॉस द स्टेट आर ओपनली सपोर्टिंग बीजेपी अक्रॉस इंडिया टू। दिस ट्रेंड इज बीइंग सीन। People from all walks of life are able to connect with the BJP's vision for India's growth. प्रधानमंत्री ने केरल चुनाव में UDF और LDF के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। लोगों का मानना है कि औद्योगिक विकास की कमी के कारण वे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं पा सकते, इसलिए उन्हें जीवन यापन के लिए दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। बांकुड़ा में उद्योगों की वास्तविक स्थिति पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में कुल 12 सीटें हैं। इन सीटों पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। वर्ष 2000 से 2005 के बीच जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर बारजोड़ा तथा विष्णुपुर में दो औद्योगिक जोन विकसित किए गए थे। तब बारजोड़ा में करीब 40-50 फैक्ट्रियां लगी, जिनमें से कई फैक्ट्रियां अब बंद हो गई हैं, जबकि विष्णुपुर में 5 से 7 फैक्ट्रियां ही लग पाई। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने बारजोड़ा में एक IT पार्क बनाया, जिसमें कुछ निवेशकों ने रुचि दिखाई। साथ ही इसी शहर में दो इंडस्ट्रियल जोन बनाने की योजना भी बनी, लेकिन यह काम अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया। बारजोड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव प्रवीर सरकार बताते हैं कि उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत है। जो भी गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल जोन बनाइए इमीडिएट, ताकि कोई आम आदमी या कोई भी तरह का लाइसेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोकल लेवल में इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला, जिसका कारण वहीं पर रह गया। तो ऐसा सोच जब हम लोग का परिवार में आएगा कि नहीं इंडस्ट्री जरूरी है, हम लोग का सोसाइटी में आएगा, तभी ये और भी आगे बढ़ेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल। देश में अब तक 6,11,00,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल होली का अवकाश होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.18% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,13,00,000 हो गई है। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है। इस समय देश में 5,40,720 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.47% है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 56,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,20,00,000 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में नए मामले बढ़ रहे हैं। नए मामलों का 80% 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,071 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,62,114 को पार कर गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक कुल 24 करोड़ 26 लाख 50 हजार से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 7,85,864 नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में 50,000 से भी ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश भर में कोविड के मामलों में तेजी आने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 28 दिनों से देश के 430 जिलों में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। महाराष्ट्र में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 2% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 1.34 से अधिक है, लेकिन 7 जिलों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। बुलढाणा, गढ़चिरौली और गोंदिया में मृत्यु दर सबसे कम 1% के आसपास है। 7 जिलों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दोगुने से भी अधिक है। सांगली, रत्नागिरी और कोल्हापुर में मृत्यु दर 3% से अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहन्मुंबई नगर निगम ने फैसला किया है कि वार्ड वॉर रूम को सूचना दिए बगैर किसी की कोविड बिस्तर पर भर्ती नहीं की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए यह आदेश दिया गया है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में बिस्तर दिया जाएगा। जो वहां भर्ती है उन्हें तत्काल छुट्टी दे दी जानी चाहिए। बृहन मुंबई नगर निगम ने निजी अस्पतालों को कोविड बिस्तर का 80% और आईसीयू का 100% कोविड वार रूम के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इन बिस्तरों पर अस्पतालों द्वारा कोई भर्ती नहीं की जाएगी। सभी कोविड सुविधा केंद्रों की संरचनात्मक और अग्निशमन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 2,323 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 2,71,889 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 9.9% है। प्रदेश में कल 1,349 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 9 मरीजों की संक्रमण के चलते मृत्यु हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,967 हो गई है। इंदौर में सबसे अधिक 609 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि भोपाल में 469 मामले सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में 159 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार संक्रमण से प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य में सभी आवश्यक सामग्री जैसे पीपीई किट, ऑक्सीजन और पर्याप्त संख्या में आवश्यक बिस्तर उपलब्ध हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड 19 के 239 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में इस समय 1,487 सक्रिय मामले हैं। 2,62,133 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 98.85% रह गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना टेस्ट को तेज करने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल कोविड के सर्वाधिक 1,742 नए मामलों की पुष्टि हुई। फरवरी माह में सक्रिय मामलों की दर 0.94% थी, जो बढ़कर 2.02% हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कल बेंगलुरु में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाने का निर्देश दिया।
कल मुख्यमंत्री की समीक्षा के उपरांत बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका ने कोविड गाइडलाइंस को लागू करना शुरू कर दिया है। बेलंदूर, आरआर नगर, एचएसआर लेआउट, शांतला नगर, कोरमंगला, हरमाऊ, दोड्डनाकुंडी, अरकेरे, बैटरायनपुरा और हगडूरू में अत्यधिक संख्या में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। यहां पर ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर्स को स्वैब संग्रह केंद्र पर नजर रखने को कहा गया है। आशा और एएनएम नर्सेस को सारी और आईएलआई केसेस पता लगाने का काम सौंपा गया है। होम क्वारंटाइन और कंटेनमेंट जोन्स पर नजर रखने को कहा गया है। विदेश और अन्य राज्यों से आए यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट सातवें दिन करवाने पर भी आदेश दिए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी। जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है, और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45 प्लस के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं, 8,000 केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब करीब 62,000 केसेज रोज आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पाएंगे। भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि होने के साथ ही आकाशवाणी लोगों को जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने पिछले मार्च में लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। आज 350वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। फोन इन कार्यक्रम में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड 19 के बारे में देशभर के लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के एम्स, जीबी पंत अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, एम्स भोपाल, निमहांस बंगलुरु, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ और सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर सहित कई जाने माने अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब दिए। कोरोना काल के दौरान सूचनाओं के प्रसारण में भी इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लॉकडाउन के दौरान उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने और अब टीके की क्षमता और सुरक्षा के संबंध में लोगों को जानकारी देने में आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड 19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल श्रोताओं के जिज्ञासाओं के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-1157-67 पर रात 9:30 बजे से कॉल कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड 19 का दूसरा टीका लगवाया। टीके के बारे में किसी भी अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को कहा। देश के 430 जिलों में पिछले 4 सप्ताह से कोविड के एक भी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड 19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज कोविड 19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना क्वाड के अन्य सदस्य देशों के साथ बंगाल की खाड़ी में हो रहे फ्रेंच नौसेना अभ्यास में भाग लेगी।
अमरीकी नौसेना के द्वारा गाए गए लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये जो देश है तेरा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम और मराठी लेखक डॉ शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड 19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह संतोषजनक नहीं रहा है। परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। कोविड 19 की उत्पत्ति के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आज जारी होने वाली है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जानवरों से इंसानों में वायरस का संचार महामारी के प्रकोप का प्रमुख कारण हो सकता है। सीएनएन के अनुसार रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में किसी जगह पर चमगादड़ों से अन्य प्राणियों में वायरस फैला और उसके बाद वुहान के बाजार में पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेसस ने जेनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नए कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित सभी अवधारणाएं सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में आगे के अध्ययन से संबंधित बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने हार्ट ऑफ एशिया के देशों से अफगानिस्तान में स्थायी शांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया की 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए सभी हितधारकों को दोहरे शांति तंत्र पर काम करना होगा जिससे अफगानिस्तान के भीतर और बाहर शांति स्थापित हो सके। श्री जयशंकर ने कहा कि इसके लिए सभी को सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर शांति प्रक्रिया को सफल बनाना है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बातचीत करने वाले पक्ष राजनीतिक समाधान तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता के साथ सद्भावपूर्ण रहें। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया की स्थापना नवंबर 2011 में इस्तांबुल तुर्की में की गई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसका मकसद यह है कि एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान बनाने की दिशा में साझा कदम उठाए जा सकें। साथ ही अफगानिस्तान के करीबी मुल्कों और क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों से निपटने और हितों को बढ़ावा देने के प्रभावी उपाय किए जा सकें। इन कदमों से हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। हार्ट ऑफ एशिया में 15 प्रतिभागी देश, 17 सहायक देश और 12 सहायक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। इसमें भारत की भी काफी अहम भूमिका रही है। भारत ने 2016 में पंजाब के अमृतसर में 6वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन की सह मेजबानी की थी। अफगानिस्तान के लिए स्थायी स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करने में इस मंच की रचनात्मक भूमिका रही है, जिसका मकसद एकजुट, स्थिर, सुरक्षित, बहुलवादी, लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से समृद्ध अफगानिस्तान का निर्माण करना है। एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान के क्षेत्रीय संपर्कों को बढ़ावा देने और आर्थिक एकीकरण के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और निवेश से संबंधी विश्वास बहाली के उपाय शामिल हैं। इस यात्रा से अफगानिस्तान पर विशेष ध्यान देने की रणनीति को बल मिलेगा, साथ ही मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच भी बढ़ेगी। आनंद चतुर्वेदी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फ्रांस के नेतृत्व में अगले महीने पहली बार बंगाल की खाड़ी में हो रहे नौसैनिक अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी भाग ले रहे हैं, लेकिन भारत की पहली बार हो रही भागीदारी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। यह अभ्यास 5 से 7 अप्रैल के बीच होगा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास भारत फ्रेंच वरुण अभ्यास भी होगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होगा। जाने माने मराठी लेखक डॉ शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाएगी। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। ये देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार माना जाता है। डॉ लिम्बाले की यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी।
इस पुस्तक में दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉ. लिम्बाले ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उद्घोषक के रूप में की। अभी ऑल इंडिया रेडियो से फोन आया और उन्होंने बताया कि मुझे सरस्वती सम्मान मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई। ऑल इंडिया रेडियो ने दिल्ली से मुझे अभिनंदन किया, इस बात का मुझे बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरी बात है, देश का बहुत बड़ा सम्मान जो सरस्वती सम्मान है वो मेरी किताब सनातन के लिए मिल गया है। ये हमारे पूरे लेखकों को, आंदोलन को, समाज को बहुत आनंद देने वाली घटना है। मैं इसे रोमांचित हुआ हूँ। अब तक जो इतिहास में कहीं दलितों को, आदिवासियों को दिखाया नहीं गया था, ये अनकही स्टोरी है। दलित और आदिवासियों की इतिहास की ये रचना है और इस रचना का सम्मान होना मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं आनंद के कारण बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर मेरा आनंद आपके जरिए सभी मेरे पाठकों के पास, शिक्षकों के, विद्यार्थियों के और देश के कानों तक दूर दूर तक जाएगा। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु ने अमेरिकी नौसेना के कुछ सदस्यों का एक वीडियो साझा किया है जिसे नेटिजन्स में बहुत सराहा गया है। तरनजीत सिंह संधु के ट्विटर हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में अमेरिकी नौसेना के चार सदस्यों के समूह को वाद्य यंत्रों के साथ एक लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये जो देश है तेरा गाते हुए दिखाया गया है। ये क्लिप यूएस नेवी बैंड के ट्विटर पर भी साझा किया गया था। इंग्लैंड के साथ तीसरे एक दिवसीय मैच में 7 रन से जीत के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे एक दिवसीय मैच में जीत के बाद भारत ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम की थी। इस हार के बावजूद इंग्लैंड 40 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। ये सुपर लीग इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला के साथ 30 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी। इस चैंपियनशिप की 8 शीर्ष टीमें भारत में होने जा रहे 2023 विश्व कप के लिए स्वतः क्वालिफाई कर जाएंगी। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम भज पावेगा, सोई परम भज पावेगा, जो भजे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त, मतदान बृहस्पतिवार को। देश में अब तक 6 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। टीके के बारे में किसी भी अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को कहा। देश के 430 जिलों में पिछले 4 सप्ताह से कोविड के एक भी नए मामले की पुष्टि नहीं हुई। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया।
भारतीय नौसेना क्वाड के अन्य सदस्य देशों के साथ बंगाल की खाड़ी में हो रहे फ्रेंच नौसेना अभ्यास में भाग लेगी। अमरीकी नौसेना के द्वारा गाए गए लोकप्रिय बॉलीवुड गीत ये जो देश है तेरा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम। और मराठी लेखक डॉ शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।